Hello friends, welcome you all at my YouTube channel English World. Today we will read William Wordsworth's poem The World Is Too Much With Us. Now friends, it is the important thing that after all, what is the world about which poet wants to tell us? This is the world about which he is indicating. It is the materialistic world. Jo kavi hai yahan par Wordsworth, as we know very well that he is the true worshipper of nature, वो प्रकृति के true worshipper थे, and now he invites us to be worshipper of nature, as well as he suggests us that materialistic is the cause of pain, materialistic is the cause of insatisfaction in the life. जो ये संसार है उसमें हम materialistic होकर के बहुत ज़्यादा अशांति को प्राप्त करते हैं और प्रकृति की गोद में शांति है, ऐसा उनका मैसेज है. वो इस मैसेज को हमें बताना चाहते हैं. एंड द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, वो संसार जो कि हमारे पास, जिसके पास हम बहुत अधिक हैं, वो संसार कौन सा है? दैट इज़ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को लाइक करते हैं. एंड वी आर टोटली वर्ल्डलिंग्स, हम लोग टोटली सांसारिक हैं. The world is too much with us, late or soon, getting and spending, we lay waste our powers. Little we see nature that is ours. Poet कहता है, the world is too much with us, late or soon. Late it means late indicates here evening, late शाम को बता रहा है और soon morning को बता रहा है. सून इट मीन्स सुबह जल्दी. हम सुबह जल्दी उठते हैं या देर रात तक. सिर्फ एक ही संसार हमारे पास सबसे अधिक होता है, वो है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. हम बहुत ज़्यादा धन उपार्जन के लिए, मनी मेकिंग एक्टिविटीज़ के लिए परेशान रहते हैं और हम टोटली उसके प्रति डिवोटेड हैं, धन अर्जन के कार्यकलाप में. गेटिंग इज इट इट्स मीनिंग इट अर्निंग्स, अर्निंग्स के लिए और स्पेंडिंग के लिए जो ख़त्म हो रहा है, जो हम कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, उसके लिए हम सुबह से लेकर रात तक उस संसार के बारे में सोचते रहते हैं. और उसी वी ले वेस्ट अवर पावर्स, वेस्ट अवर पावर्स इट मीन्स जो हमारी इंद्रियों की शक्ति है, हम अपनी इंद्रियों की ताकत को उसी में वेस्ट करते हैं. इट मीन्स उसी के बारे में दिन रात सोचते हुए अपनी जो मेंटली पावर है, मेंटल पावर है और बॉडीली पावर है, दोनों को वेस्ट करते हैं. लिटिल वी सी नेचर दैट इज़ अवर्स, प्रकृति की तरफ हम बहुत कम ध्यान देते हैं जबकि प्रकृति हमारी है. एंड इट इज़ द प्राइसलेस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मैन, आर वी कैन से फॉर अस. प्रकृति जो है वो हमारा कीमती उपहार है जो कि ईश्वर ने हमें प्रदान किया है और हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं. लिटिल वी सी नेचर दैट इज़ अवर्स, इट मीन्स वी डोंट पे अटेंशन टुवर्ड्स द माइनर एक्टिविटीज़ ऑफ नेचर दैट गिव्स अस पीस, नॉट ओनली पीस बट एज वेल एज गिव्स अस एनर्जी, गिव्स अस पैशंस. जो प्रकृति है हमें पैशंस सिखाती, धैर्य देती है, हमें मानसिक शांति प्रदान करती है और हमें एंड्योरेंस प्रदान करती है. बट वी कांट पे सिंगल मोर अटेंशन टुवर्ड्स नेचर, लेकिन हम प्रकृति की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं. ओनली वी आर टोटली डिवोटेड टुवर्ड्स मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, सिर्फ हम एक जो भौतिकवादी संसार है उसकी तरफ और कमाने में और धनोपार्जन के कार्यों में अपनी ज्ञानेंद्रियों की ताकत को वेस्ट कर रहे हैं और प्रकृति की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं. ये कवि हमें इन पंक्तियों में बता रहा है. नाउ वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे अ शॉर्टी बून, वर्ड्सवर्थ कहते हैं वी हैव गिवन अवर हार्ट्स, यहाँ तक कि हमने अपना दिल दे दिया है. अ सॉर्टिड बून, सॉर्टिड बून इट मीन्स अनवर्दी, सॉर्टिड मीन्स अनवर्दी. जो अनवर्दी गिफ्ट्स हैं प्रकृति के, सॉरी प्रकृति की नहीं, मटेरियलिस्टिक संसार के जो अनवर्दी गिफ्ट हैं ये, उसको हमने अपना इट मीन्स धनोपार्जन के लिए और दिन रात पैसे के लिए सोचते हुए हमने अपने हृदय को इस बेकार की अनवर्दी चीज के लिए अपने हृदय को दे दिया है.
because actually poet indicates here that we should be naturalistic in comparison of materialistic. हमें materialistic की तुलना में हमें प्राकृतिकवादी होना चाहिए, because प्रकृति gives us mental peace, क्योंकि प्रकृति हमें मानसिक शांति प्रदान करती है. Next thing, this sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be hollowing at all hours and are upgathered now like sleeping flowers. This sea, ये जो समुद्र है, actually poet is here implies metaphor. Poet ने यहाँ पर metaphor प्रयोग किया है, उसने समुद्र को एक नारी फेरी की तुलना में से की है. तुलना से इट मे नॉट कंपेरिजन बट ही हैज़ गिवन हर शेप ऑफ फेरी. उसने समुद्र को एक नारी का आकार दे दिया और कहा है ये जो समुद्र है फेरी की तरीके से, एक नारी की जो समुद्र रूपी नारी है, ये ओपन्स बेयर्स इट मीन्स ओपन्स खोल देती है हर बॉसम, बॉसम इट मीन्स हर हार्ट, हर ब्रेस्ट टू द मून. इट मीन्स पूर्णिमा की रात में ये जो समुद्र रूपी नारी है, ये चंद्रमा जब फुल मून होता है, पूर्णिमा के दिन फुल मून होता है, उस दिन समुद्र से मिलने के लिए अपने हृदय को खोल देती है. दैट विंड्स दैट विल बी होलिंग और एट ऑल आवर्स, और जो ये हवाएं हैं पूरा टाइम साए साए होलिंग इट मीन्स येलिंग, विलाप करते हुए बहती हैं. जब विंड्स ब्लो करती है तो उस समय साउंड होता है, तो ये हॉलिंग इट इज़ द साउंड ऑफ विंड, हवा के बहने की आवाज़ है. ये जो हवाएं बहती हैं और जो इनकी आवाज़ है वो ऐसा महसूस होता है कि अब सोते हुए पुष्प के समान अब गैदर्ड थक करके एकत्रित होकर विश्राम कर रही हैं. नाउ हियर पॉइंट, यहाँ पर जो है उस पॉइंट ने प्रकृति का सिंबलाइजेशन किया है और यहाँ पर वो इंडिकेट्स कर रहा है जो ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैं, सुंदर दृश्य हैं प्रकृति के, और जो प्रकृति की ब्यूटी है सुंदरता है उसको हमें बता रहे हैं कि जो समुद्र है वो फुल मून के दिन चंद्रमा से मिलने के लिए ऊपर उठता है, अपने हृदय को खोल देता है, और जो ये हवाएँ हैं पूरा टाइम साए साए करके बहती हैं, ये एक सोते हुए पुष्प के समान एकत्रित होकर विश्राम करती हुई सी प्रतीत हो रही हैं. फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ टाइम. और पॉइंट यहाँ पर ये कह रहा है इतने सुंदर दृश्यों को हम मिस कर देते हैं, वी आर आउट ऑफ टाइम, वी आर अनफिट फॉर इट, इट मीन्स वी डोंट पे अटेंशन टूवर्ड दीज थिंग्स. हम इतने प्यारे दृश्यों को खो देते हैं, हम इनको कभी नहीं ध्यान देते हैं, कभी नहीं देखते हैं. और वो समुद्र के किनारे खड़ा होकर के पॉइंट इन सब चीज़ों को निहार रहे हैं, देख रहे हैं, और एनालाइजिंग एंड एन्जॉइंग द ब्यूटी ऑफ नेचर, और प्रकृति की सुंदरता का अवलोकन कर रहे हैं. इट मूव्स अस नॉट, और ये इट मूव्स अस नॉट, ये जो चीज़ें हैं, ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है, ये हमें सेटिस्फेक्शन देता है, ये हमें मेंटल पीस देता है. ग्रेट गॉड, एक्चुअली पॉइंट हमें यहाँ पर इंडिकेट करता है कि मटेरियलिस्टिक होना सिर्फ हमें एक टेंशन देता है और हम अपनी मेंटल पीस को खोते हैं. हम धनोपार्जन के कार्य में लग करके सिर्फ अपनी मानसिक शांति को विघ्न पहुंचाते हैं, एज वेल एज़ वी डिस्ट्रॉय अवर एनर्जी. बट इफ़ वी गो इन द लैप ऑफ नेचर, अगर हम प्रकृति की गोद में जाते हैं, वी विल ऑलवेज फाइंड प्लेजर, वी विल ऑलवेज फाइंड पीस. हम सिर्फ उसकी गोद में जा कर के शांति पाएंगे, आनंद पाएंगे. और हम इन सब मटेरियलिस्टिक, क्योंकि संसार मटेरियलिस्टिक होता जा रहा है, भौतिकवादी होता जा रहा है, तो हम इस प्रकृति की सुंदरतम चीज़ों को और जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको मिस कर रहे हैं, भूल रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और हम उसको तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो कि हमारे लिए मानसिक अशांति का कारण है. सो नाउ नेक्स्ट, ग्रेट गॉड आई वुड रैदर बी अ पैगन सकल्ड इन अ क्रीट आउट फॉर्म. आई वुड रैदर बी अ पैगन. पैगन एक्चुअली जो पैगन है ये एक वो लोग थे जो कि बहुत सारे बहुवादी जो गॉड थे, मैनी गॉड्स पर बिलीव करते थे. पैगन इज़ अ रिलीजन. पैगन पॉइंट कहता है मैं पैगन बन जाना चाहता हूँ. सकल्ड इन अ क्रीड, क्रीड मीन्स रिलीजन, एक ऐसा धर्म जिसमें कि
जो प्रकृति को, एक्चुअली पैगन वर द वर्सिपर ऑफ नेचर, जो पैगन थे वो वास्तव में प्रकृति के पुजारी थे। नाउ आउटवर्न इट मीन्स आउटडेटेड, और जो ये धर्म है पैगन धर्म है वो इस समय खो चुका है। जो प्रकृति की पूजा करना, प्रकृति की उपासना है, प्रकृति को महत्व देना, ये चीज़ आज के टाइम में आउटडेटेड हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, धर्म समाप्त हो चुका है। बट पॉइंट विशेज टू बी पैगन, लेकिन कभी पैगन बन जाना चाहता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, काश मैं पैगन होता, मैं पैगन हो जाता, सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीसेंट ली। ली इट मीन्स मेडो, जो घास के मैदान है सुंदर। हैव ग्लिम्सेस दैट वुड मेक मी लेस फोरलॉर्न, हैव साइट ऑफ, अगर मैं पैगन हो जाता तो संभवतः, ग्लिम्सेस मीन झलक, मैंने ये समुद्र की जो सुंदरतम झलक हैं और हवाओं की आवाज़ें हैं और जो फ्लावर रेस्ट कर रही हैं, जो हवाएं हैं सोते हुए फूलों की तरह रेस्ट कर रही हैं, उनको सबका मैंने इंजॉय किया होता। और हैव ग्लिम्सेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, हैव साइट ऑफ प्रोड्यूस फॉरलॉर्न इट मीन्स लॉनली, और जो मैं आज यहाँ पर समुद्र के किनारे खड़ा होकर एकदम अकेला महसूस कर रहा हूँ, अगर मैं पैगन होता तो मैं अपने आप को अकेला ना पाता बल्कि प्रकृति को अपने साथ पाता, क्योंकि आई विल वुड बी इंजॉय ईच मोमेंट ऑफ नेचर, मैंने प्रकृति के प्रत्येक मोमेंट को इंजॉय किया होता। हैव साइट ऑफ प्रोड्यूस राइजिंग फ्रॉम द सी आर हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रीथ्ड हॉर्न, और संभवतः अगर मैं पैगन होता, एक्चुअली हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, और संभवतः मैंने प्रोटियस को समुद्र से निकलते हुए देखा होता। एक्चुअली ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग प्रोटियस जो था वो समुद्र का देवता था, सी गॉड था, और वो दोपहर के टाइम समुद्र से निकलकर रेस्ट करने के लिए, ऐसा ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग स्टोरी है कि वो बाहर आकर के समुद्र से माउंटेन के साइड में बैठ करके, पहाड़ियों के साइड में बैठ करके दोपहर में रेस्ट किया करता था, और अगर कोई व्यक्ति उसको पकड़ लेता था या पा जाता था, उसको ऐसा करते हुए देख लेता था रेस्ट करते हुए, तो प्रोटियस उसको डराने की कोशिश करता था, और अगर वो नहीं डरता था वो व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को उसका वो भविष्य बता देता था, ऐसा ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग स्टोरी कही जाती है। तो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ कहते हैं, अगर मैं पैगन होता तो संभवतः मैंने ज़रूर प्रोटियस को देखा होता समुद्र से दोपहर में निकलते हुए, या मैंने ट्राइटन को सुना होता, वो जो उसका स्पाइरल हॉर्न इट मींस कॉन्च, जो शंख है, जो ट्राइटन है जो अपने शंख को बजाता है, उसके शंख की आवाज़ सुनी होती, उसके शंख की ध्वनि को सुना होता, जो स्पाइरल कॉन्च है, रीथ्ड हॉर्न है, स्पाइरल कॉन्च धारीदार शंख है, उसको मैंने उसको बजा। एक्चुअली ट्राइटन जो था वो जब समुद्र अशांत होता था, समुद्र में तूफान आता था, तो ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग स्टोरी है, ट्राइटन अपने फादर के कमांड पर, फादर के आदेशानुसार समुद्र से निकलता था और अपने धारीदार शंख को बजाता था समुद्र को शांत करने के लिए। तो ऐसे स्टोरी कही जाती है, और यहाँ पर ग्रीक माइथोलॉजी का रेफरेंस है, और वर्ड्सवर्थ ने इसको प्रयोग किया कि संभवतः अगर वो पैगन हो जाते होते तो उन्होंने प्रोटियस को समुद्र से निकलते हुए देखा होता, ट्राइटन को शंख बजाते हुए देखा होता, जो कि समुद्री तूफान को शांत करने के लिए बजाते थे, उन्होंने इन हैव ग्लिम्सेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, और जो ये फॉरलॉर्न अपने आप को अकेला महसूस करते हैं वो बिल्कुल भी अपने आप को अकेला ना पाते, और इन मेडों पर, घास के मैदानों पर बैठ करके इन सब चीज़ों को इंजॉय करते। नाउ फ्रेंड्स, इन दिस वे वी हैव इंजॉयड द वर्ड्सवर्थ्स पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, एंड वी फाउंड दैट इट प्रिफर्स नेचुरलिज्म टू मटेरियलिज्म, इन्होंने प्रकृतिवाद को ज़्यादा महत्व दिया है, प्रकृतिवाद को महत्व दिया है मटेरियलिज्म के बजाय भौतिकवाद के बजाय। सो इन दिस वे आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम वेल, एंड आई वुड लाइक टू मेंशन हियर वन मोर थिंग दैट दिस पोएम इज़ मेंशनड इन अवर एलटी ग्रेड सिलेबस, so I found it is important to read us, and I hope you have definitely understood it very well. Friends, if you like my video, don't forget to give the thumb of like, and if you are watching my video first time, don't forget to subscribe my channel, and your comments are invited as I say you always. So now, thank you friends, take care and keep watching my videos.